सो ही व्हाट्सएप गेमिंग आर्मी सो गाइस कैसे यार जैसे कोई बढ़िया हो गई सो आ चुके एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। एंड आज की वीडियो में गाइस थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा मेरे मतलब मैं बिल्कुल गरीब सा दिख रहा हूँ। लुक भी थोड़ा सा गेम का अलग दिख रहा होगा, कलर्स वगैरह एंड क्वालिटी थोड़ी सी लो दिख रही होगी। सो गाइस उसका रीज़न है जो कि देख के ही समझ गए होगे। सो गाइस हम खेल रहे हैं जावा एडिशन में क्योंकि भाई मैंने ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे आईडी क्राफ्ट एंड हम खेल रहे हैं जावा एडिशन। तो ये बिल्कुल ओपी चीज़ है एंड भाई ऐसा अब इंट्रो करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, कितना स्मूथ इंट्रो आएगा। सो गाइस देखो यहाँ पर अब आ चुके हैं जब आईडी क्राफ्ट में, तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं सबसे पहले तो। एंड यहाँ पर ये मेरा टेम्प्रेरी सा बेड लगा रखा था, कभी मैं इंट्रो करते करते ही मर जाऊँ क्योंकि मैं बहुत मरता हूँ, लिटरली मैं बहुत ज़्यादा मरता हूँ। सो अभी हम मतलब मैं कल ज्वाइन हुआ था एंड उसके बाद मशरूम बायोम पे अपना स्पॉन था, तो समझ जाओ ये इतना सारा बीफ कहाँ से आया एंड ये लेदर भी। सो भाई समझ गए होगे, जो समझ गया समझ जाने दो। एंड भाई ये मैं और भी कलेक्ट कर रहा हूँ एज फूड की हमारे पास भाई कोई सोर्स नहीं है, बट जावा एडिशन वगैरह बहुत ज़्यादा स्पॉन्स मिलता है। एंड भाई मेरे पास बोन्स नहीं है वरना इसे टेम कर लेता। चलो छोड़ो, एंड मैंने दो स्टार्टिंग में टेम करे थे बट मैं डी एक्स टीम के साथ घूमने गया था, मतलब सर्वर का टूर लेने की कहाँ कहाँ पे किस किस के घर हैं, तो तब सारा मतलब भाई दोनों डॉग्स मर गए। सो ऐसा कुछ हुआ। एंड भाई अभी सबसे पहले तो सो जाते हैं क्योंकि मुझे भाई बिल्कुल भी मॉब से नहीं लड़ना है एंड अभी मेरे पास बिल्कुल भी आर्मर वगैरह कुछ नहीं है। सो सुबह को उठते हैं एंड देन यहाँ पर थोड़ा सा एक बेस टाइप का कुछ बनाते हैं एंड किला खड़ा करेंगे हम, बिल्कुल अपना एक ओपी वाला किला बनाएंगे बिल्कुल फर्स्ट डे स्टार्टर वाला। सो गाइस देख सकते हो यार हमारे पास भाई स्प्रूस वुड लगेगी एंड स्प्रूस वुड है नहीं। सो स्प्रूस के सैपलिंग्स में ले आया, पास में ही उधर की साइड एक स्प्रूस फॉरेस्ट या तो बायोम है स्प्रूस जैसा भी कुछ कहो। एंड तो भाई जितने पेड़ ग्रो होता है इतने मैं कुछ माइनिंग कर लेता हूँ एंड देन अपना घर बनाएंगे। सो लेट्स गेट इन टू द माइनिंग। भाई दो मिनट की वीडियो हुई नहीं माइनिंग पे, नहीं। सो हम पहले पेड़ के उगने का वेट करेंगे, तो मैं बोन्स वगैरह ढूंढता हूँ अगर मिल जाए तो। एंड देन भाई पेड़ को उगाते हैं एंड यहाँ से हम बनाएंगे अपना पहला एक स्टार्टर हाउस। सो उसके लिए मुझे थोड़ा सा सैंड भी चाहिए, सो सैंड को भाई कर लेते हैं, मतलब सैंड को माइन कर लेते हैं। सो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे एक पेड़ उगाया बड़ा वाला स्प्रूस का एंड वो उसे काट दिया क्योंकि मेरे पास बोन मिल आ गई थी। एंड भाई मैंने फाइनली अपना जो किला था वो बना लिया एंड मैंने टाइम लैप्स रिकॉर्ड करा था बट लेट फर्स्ट पर्सन टाइम लैप्स मुझे नहीं लगता मजा आएगा, सो मैं नहीं डालने वाला उसे। सो गाइस क्या आप देखने को तैयार हो मेरा बिल्कुल ओपी वाला किला मतलब अपना स्टार्टर हाउस? सो क्या आप रेडी हो? हाँ भाई रेडी हो गए, चलो बहुत हुआ, चलो 10 रुपये मत काटना ओवर एक्टिंग के। सो गाइस देखो ये रहा अपना स्टार्टर हाउस, ये मुझे पता है गाइस बहुत ही अजीब सा गंदा सा हाउस है बट जो भी यार काम चलाओ, काम चलाने के लिए बहुत है। ये अपना स्टार्टर हाउस एंड भाई इसे बनाने के बाद मैंने थोड़ी सी माइनिंग करी एंड यहाँ पर अंदर इंटीरियर सही से फिट नहीं हुआ है, मुझे पता है मैं यहाँ पे जल्दी सही से बना दूंगा कुछ ना कुछ तो। सो मैंने इसके बाद थोड़ी सी माइनिंग करी एंड भाई माइनिंग में मुझे थोड़े से डायमंड्स भी मिले। सो सबसे पहले तो मैं माइनिंग में लेके चलता हूँ। सो गाइस मैंने थोड़ी सी माइनिंग करी यहाँ पे एंड यहाँ पे एक स्ट्रिप है, यहाँ पे एक स्ट्रिप है, सो बस इतनी माइनिंग करी है। यहाँ पे मैंने रिस्पॉन पॉइंट सेट कर दिया। सो गाइस मेरा सारा ज़्यादातर सामान यहाँ पे रखा है एंड मुझे जो चीज़ें मिली हैं वो है ये थोड़ा बहुत रेड स्टोन, थोड़ा सा कॉबल स्टोन एंड भाई थोड़ा सा आयरन मिला है, जस्ट थोड़ा सा। एंड भाई और कुछ हमारे पास ज़्यादा है नहीं, बस लेदर वगैरह ये सब कहाँ से आएगा। सो गाइस मैंने जैसे कि बताया था स्टार्टिंग में, आई थिंक मैंने बता दिया था। एंड भाई इसमें मैं थोड़ा सा आयरन डाल देता हूँ स्मेल्ट होने के लिए क्योंकि भाई क्यों नहीं डाल देते हैं। एंड देखो माइन में ज़्यादा कुछ है नहीं, अभी मुझे थोड़े से डायमंड्स मिले हैं, सो वो मैं अभी नहीं तोड़ने वाला, उसके लिए मुझे डी एक्सट्रीम के साथ कुछ डील करनी है एंड देन उसके साथ डील का पार्ट होएगा वो। एंड देखो गाइस जी माइन बहुत पास में अपने घर के, सो यहाँ पे माइन एंड वो अपना किला, सो कॉल्ड किला। भाई ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सा घर है मेरा, इससे छोटा घर मैंने आज तक नहीं बनाया। एंड यहाँ पे हो सकता है मैं छोटी सी सिटी बना दूँ एक पूरी। एंड ये उसका पहला घर है जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है ही नहीं। सो गाइस देखो यार ऐसा कुछ है
एंड ये कनेक्टेड ग्लास बहुत ओपी लगता है मुझे, जावा में ही होते हैं बस ये खाली बस। तो गाइस ये अपना घर है कुछ, एंड इसे मैं थोड़ा सा इंटीरियर मैं सोचूंगा एंड थोड़ा बहुत इम्प्रूव करूंगा इसे, ऐसा नहीं छोड़ने वाला। एंड भाई एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा ऐसे। सो हम ऐसे कर सकते हैं ना इसे, या हम लोग ऐसे करेंगे रे बाबा। सो गाइस फाइनली यार घर इज रेडी एंड मैं इसे थोड़ी सी मतलब अब मैं जा रहा हूँ डीएक्स टीम का वेट करता हूँ, जब वो ऑनलाइन आएगा देन इस वीडियो का आगे का पार्ट रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि मुझे उसके साथ कुछ डील करनी है जिससे कि हमारी प्रोग्रेस भाई नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। एंड डायमंड्स मैंने इसलिए नहीं दिखाए आप लोग को, वो हम तभी दिखाएंगे। सो मैं दूर से देखता हूँ इस घर को, बिकॉज भाई इतना ओपी घर बनाया तो इसे दूर से देखना तो बनता है, तो इसे ऊपर से देखेंगे हम, वो भी जूम करके ऐसे करके। ये बॉयस क्या ओपी घर है, बिल्कुल ओपी घर। सो चलो इस घर का बहुत हुआ, मैं डीएक्स टीम का वेट करता हूँ सीधा एंड देन भाई देखते हैं वो आता है तो देन उसे ट्रेडिंग करेंगे। एंड इस घर को मुझे थोड़ा सा इम्प्रूव करना है क्योंकि बहुत ही गंदा दिख रहा है नीचे से, फ्लोर भी ग्रेनाइट का बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा है मुझे। सो चलो तो मैं चलता हूँ अभी के लिए एंड देन थोड़ी बहुत देर में आता हूँ मैं, मतलब वीडियो में तो भाई साथ के साथ ही दिख जाएगा पर मैं मतलब असली में थोड़ी बहुत देर बाद आता हूँ। सो मिलते हैं। सो गाइस यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत और प्रोग्रेस कर ली है एंड भाई मैंने बेस बनाने के लिए बोला था एक आलीशान अपना किला, तो भाई हमने किला खड़ा कर दिया अपना। एंड यहाँ पर मैं अपने बेस एरिया पर हूँ, मैंने थोड़ा बहुत वहीं पे बनाया एंड यहाँ पे मैंने थोड़े से वो पेड़ उगाए थे बड़े वाले डार्क ओके, सो उन्हें दिखाने से पहले भाई थोड़ा सा ये देखो भाई एकदम स्मूथ चलता है भाई, बहुत ज़्यादा मस्त चीज़ लगती है मुझे ये चीज़। तो ऑप्टिफाइन की ओपी चीज़ है एकदम। सो सबसे पहले तो फर्स्ट पर्सन में आते हैं एंड सो गाइस मतलब मैंने थोड़ी सी प्रोग्रेस कर ली है, जैसे कि भाई उसका पहले मैं घर दिखा देता हूँ एक बार एंड मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करी है बट उस टाइम बाहर भाई कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी, तो भाई मैंने ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करी एंड बस वीडियो है। सो मैं उससे थोड़ा बहुत क्रॉप कर गया, तो कुछ भी करके मैं उसे थोड़ा मीनिंगफुल वे में आपको दिखा दूँ, इससे आप लोग को भी कुछ अच्छा लगे। एंड यहाँ पर भाई एज हमारे पास इसमें सिल्क टच आ चुकी है, तो भाई ये मैं वहाँ से तोड़ के लिया एंड यहाँ पे छोटा सा एक हनी फार्म जैसे कुछ बना दिया जिससे कि ये जब हम क्रॉप फार्म बनाएंगे ना तब उसमें काम आए। सो ऐसा एंड मैं सबसे पहले तो भाई अपना घर दिखा देता हूँ। सो गाइस ये है हमारा ओपी वाला होम स्वीट होम, सो ये हमारा बिल्कुल डे वन का स्टार्टर हाउस है। एंड भाई आज हम मुझे दो दिन हो चुका है सर्वर में, सो फाइनली दो दिन हो चुके हैं एंड दो दिन में भाई मेरे पास डायमंड गियर्स आ चुके हैं। सो भाई ये इसमें एन्चांटमेंट्स नहीं दिखाता, सो नेम रखना ज़्यादा सही रहेगा, जैसे कि बेड रॉक में तो एन्चांटमेंट्स दिखा देता है एकदम से, सो नेम रखना जावा में ज़्यादा सही रहेगा। सो गाइस इंटीरियर पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं करा है, जस्ट एक क्राफ्टिंग बेंच एक बेड एंड जस्ट सिंपल सा ओक वुड लगाई हुई है, ओक प्लैंक्स नीचे एंड दो चेस्ट रखी हुई हैं जिनमें अभी हमारे पास काफ़ी सारे शुगर केन है, एज जो कि आप मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर लूँ देन उसके बाद देख पाओगे। सो ये सब रिसोर्सेज है जो मुझे माइनिंग से मिली हैं, मैंने माइनिंग का भी थोड़ा सा टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया है, मतलब भाई फर्स्ट पर्सन है क्योंकि गरीब हैं हम लोग भाई, बहुत गरीब हैं एज़ यू नो, ये मेरे पास बिल्कुल अच्छा पीसी नहीं है एंड भाई दो चीज़ें एक साथ चलते हुए ये नहीं हैंडल कर पाएगा। रीप्ले मोड भी गाइस मैंने टेस्ट नहीं करा बट आई डोंट थिंक सो कि
वर्क करेगा अच्छे से इसमें रिप्ले मोड, क्योंकि भाई देखो एंड ये ग्लिच आउट क्यों हो रहा है ये पता नहीं, बट जो भी है भाई ये मेरे पीसी के नशे हैं। सो गाइस देखो मैंने यहाँ पे ट्री फार्म करना स्टार्ट कर दिया। एज यू नो हमें ये वाली वुड बहुत आसानी से मिल सकती है, मतलब बहुत जल्दी से हम बहुत सारी वुड कलेक्ट कर सकते हैं। एंड हमें वुड की तो अभी स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, मेनली स्प्रूस वुड, बिकॉज मेरे मेनली बिल्ड्स में स्प्रूस वुड लगती है, जैसे कि आप देख ही सकते हो मुझे स्प्रूस वुड बहुत पसंद है। सो गाइस यहाँ पर ये अपना हनी फार्म है एंड ये देखते हैं कि इसमें कितना हुआ है अभी। तो भाई लेवल 3 है, लेवल 5 पे हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, सो जल्दी होने वाला है। एंड यहाँ पे मैं पूरा एक हनी फार्म बना सकता हूँ एंड एक क्रॉप फील्ड्स जैसा कुछ बना सकते हैं, बट वो अभी नहीं करने वाले हैं। सो इस होपफुली मैंने उसमें काफ़ी कुछ कवर कर लिया हो टाइम लैप्स में, एंड आप लोगों को थोड़ा बहुत तो कुछ आइडिया मिल ही गया हो कि मतलब क्या हुआ है सीन। सो गाइस यहाँ पे पीछे भी मैंने थोड़े से प्लांट करे हुए हैं शुगर केन एंड इधर भी, बिकॉज भाई मेरा एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है जो कि भाई मैं नेक्स्ट एपिसोड में रिवील करूँगा, एंड उससे हमारे डायमंड्स होने वाले हैं स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा ओपी। एंड भाई नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग को पता चलेगा वो, एंड नेक्स्ट एपिसोड में भाई हम उसका एक स्टेप कंप्लीट कर देंगे आई थिंक, एंड दो स्टेप का वो होगा, एंड उससे नेक्स्ट एपिसोड में आई थिंक हम दोनों स्टेप कंप्लीट कर पाए एंड भाई अपना डायमंड्स मशीन रेडी हो पाए। सो भाई डायमंड कमाने का मेरा बहुत अच्छा, या तो डायमंड भाई लेने का मेरा बहुत अच्छा एक प्लान है जो कि रिवील मैं अभी नहीं करूँगा भाई, अभी करना सही नहीं है रिवील, नेक्स्ट टाइम करेंगे। एस भाई रिवील नहीं करना चाहता मैं अभी। सो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में आते हैं, एंड भाई ये घर भर तो आपने देख ही लिया होगा, एंड सबसे पहले तो इसे हार्वेस्ट कर लेते हैं भाई, हार्वेस्ट। एंड भाई ओमिनियस बैनर का साया, सो यहाँ पे एक रेड स्पॉन हुई थी तो मैंने उसे मार दिया, मतलब रेडर्स को ख़त्म करा एंड उसे मुझे मिला। बट भाई पता नहीं क्यों मुझे ओमिनियस, मतलब वो नहीं होता है ना वॉलेंट्री एग्जाइल, वो ना तो एडवांसमेंट कम्प्लीट हुई, एडवांसमेंट देखते कैसे हैं यहाँ से आके, इसका कोई शॉर्टकट होता है भाई पता नहीं मुझे। सो ये तो वनीला ट्विक्स है जो इसमें एड ऑन डाला हुआ है। सो किल टू फैंटम्स विद द पियर्सिंग एरो, भाई साहब ये तो बहुत हार्ड है ऐसे हम कैसे करेंगे, जंप ऑन टू अ हनी ब्लॉक टू ब्रेक योर फॉल, ओके। तो भाई देखो वॉलेंट्री एग्जाइल का मुझे नहीं पता भाई, 22 बायोम्स में मैं घूम चुका हूँ लिटरली, सही में मुझे सही में नहीं पता, मैं तो भाई बिल्कुल नहीं घूमा, आसपास घूमा हूँ बस। सो नेदर की एन्चेंटमेंट नहीं है वो, वॉलेंट्री एग्जाइल भाई कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे मिलेगी क्या वॉलेंट्री एग्जाइल, नहीं 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 भाई पता नहीं मुझे वॉलेंट्री एग्जाइल की कहाँ पे मिलती है, सो वो मुझे नहीं मिली, पता नहीं क्या हुआ। बट क्योंकि हमारे पास बैनर आ चुका है, सो बैनर को हम नीचे लगाएंगे, या तो शील्ड में लगा सकते हैं, बट शील्ड भाई अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, बाद में भाई कोई यूज़ नहीं करता शील्ड को। सो अच्छा लग रहा है वैसे बैनर, एज हमारे पास अपनी मतलब अपना खुद का कोई बैनर नहीं है, मैं जल्दी ही बनाऊंगा अपना खुद का एक बैनर, बट उसके लिए मैं पहले आर्मर वगैरह से पूरी तरह से रेडी होने वाला हूँ। एंड भाई देखो सबसे पहले तो अब चलते हैं माइन में, एंड भाई मैंने थोड़े से डायमंड्स ढूंढ के रखे हुए हैं, एंड जिसकी स्टार्ट थोड़ा सा मैंने दिखाया था जब मैंने डायमंड पिकैक्स बनाई थी, आप लोगों ने टाइम लैप्स में देखा ही होगा वो तो। एंड भाई देखो हमारी माइन इधर है, जस्ट मेरे घर के थोड़ा सा पास में है, एंड भाई ये मेरा बिल्कुल भी मतलब मेन बेस एरिया बिल्कुल नहीं रहने वाला। सो जो मेरा फार्म है ना, मतलब फार्म्स वगैरह, वो मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, सो इसलिए ये मेरा मेन बेस बिल्कुल नहीं है भाई, मैं थोड़ा काफ़ी दूर रहने वाला हूँ वैसे तो, एंड उसके लिए मैंने अभी सोचा नहीं है एरिया। तो भाई देखो मैंने थोड़ी सी माइनिंग करी है, एंड 6 स्टेप्स में माइनिंग करी है यहाँ पे, एंड इधर की साइड अब मैं माइन करने वाला हूँ, एंड इधर मैंने बहुत कम कम माइन करा है, मतलब 150 ब्लॉक्स के आसपास गया हूँ, सामने ज़्यादा नहीं गया बिल्कुल भी, सो इसलिए मेरे पास ज़्यादा डायमंड्स नहीं आए हैं। तो लेट्स मूव, एंड भाई इसमें सिल्क टच लगा हुआ है, सो इसलिए मैं सारे जो डायमंड ओर्स है ना उन्हें कलेक्ट करके ला पाऊंगा। सो जल्दी से चलते हैं हम डायमंड ओर्स की लोक।
सो गाइस मुझे यहाँ पे 17 डायमंड ओर्स मिल चुके हैं एंड भाई मैंने मतलब काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं एंड भाई देख सकते हो इतना सारा कोबल स्टोन भी हो चुका है। सो मतलब भाई इतना भाई मच चुकी है। मैंने कलेक्शन के नाम पे तो भाई बहुत कुछ करा है मतलब माइनिंग पे एंड अब मैं ऊपर चलते पहले तो सो के चलते हैं भाई, रात हो रही है एंड मेरे पास बस चेस्ट प्लेट है आयरन की एंड मैं आयरन भाई थोड़ा सा बचा रहा हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा भाई क्यों बचा रहा हूँ। सो मैं पूरा आयरन का आर्मर नहीं बना रहा हूँ एंड भाई डायमंड में हम जल्दी अपग्रेड कर लेंगे, सीधा डायमंड में करेंगे। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एंड अरे भाई नहीं 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 अरे नहीं मुझे ये मार देगा पक्का से, मरा मरा मरा। एंड ये क्या हो गया, मैंने कौन सा टेक्सचर पैक लगा लिया भाई, मैंने कोई सा टेक्सचर पैक वगैरह यूज़। अरे भाई 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 आयरन की सॉर्ड लेकर आया, ये तो पक्का से मार देगा। सो फाइनली आई थिंक ये हो चुका है, देखते हैं इसमें लेवल 5 हुआ क्या। हाँ लेवल 5 हो गया है। सो सबसे पहले तो भाई थोड़ा सा खाना खाता हूँ वरना मैं मर जाऊँगा अभी। एंड खाने की कोई कमी नहीं है स्टार्टिंग में, तो मैंने क्योंकि बहुत सारी काउज वगैरह मार ली थी एंड उससे मुझे खाना मिल गया था एंड खाने का फूड का भी थोड़े टाइम तक काम चल जाएगा इससे मेरा। एंड मैं थोड़े बहुत एनिमल्स रोज़ मारता रहता हूँ सो उससे मेरा थोड़े टाइम तक का काम चल जाएगा, बट आगे मुझे देखना पड़ेगा क्या करना है फूड के लिए भी एंड उसके लिए भी कुछ करेंगे ज़रूर से फ्यूचर में देखेंगे, वो अभी बिल्कुल नहीं ध्यान देना है मुझे फूड पे, द फूड के लिए कुछ भी। सो मैं सबसे पहले तो डायमंड्स रख देता हूँ यहाँ पे एंड लेट्स गो टू द ऊपर की साइड वाला एरिया एंड यहाँ पे हमारे जितने भी शुगर केन्स हैं सबको मैं फार्म कर लेता हूँ या तो कलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी है हार्वेस्ट कर लेता हूँ, कुछ भी कहो यार जो भी कहना है वो कहो आपकी मर्जी। एंड ये जब हो जाता है तब भाई वीडियो को एंड कर देते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है एंड मुझे कल या तो कल शाम तक मुझे वीडियो एडिट करके डालनी है कुछ भी करके। भाई आलतू फालतू की बातें मैंने बहुत कर ली, मुझे रिमूव करनी पड़ेगी बहुत सारा कंटेंट क्योंकि वीडियो हो जाएगी बहुत बड़ी एंड मुझे 20 मिनट से भी कम की वीडियो रखनी है। रे बाबा सो गाइस मैंने बहुत सारा ये शुगर केन्स भी हार्वेस्ट कर लिया एंड देखो एक हार्वेस्ट से हमें इतने मिल गए जबकि वो फुल ग्रोन भी नहीं थे। सो बहुत ओपी है एंड गाइस इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करना चाहूँगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई नेक्स्ट वीडियो ओपी होने वाली है। सो गाइस इसके बाद हमें डी एक्सट्रीम ने बुलाया कुछ दिखाने के लिए क्योंकि उसे लगा कि शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट में मतलब ये चीज़ जो है ये कहाँ से आ गई एंड भाई हमसे पूछा था वो कि हम लोगों ने तो नहीं बनाई, तो भाई ये कुछ स्पेसशिप जैसा दिख रहा था एंड यहाँ की ऑडियो मेरी रिकॉर्ड नहीं हुई सॉरी फॉर दैट, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई बट तो यहाँ पे वो दिखा रहा था एंड मैं पीछे गिर जाता हूँ। सो इसके बाद हम उसके अंदर जाते हैं एंड कुछ ऐसा होता है भाई देखो। अरे यहाँ पे एक लीवर है। अरे भाई ऐसे वैसे लीवर नहीं खींचने का भाई, इधर उधर का लीवर। अबे क्यों खींचा भाई लीवर, व्हाट द हेक, ये हिल रहा है भाई, भाई मशीन स्टार्ट हो रहा है भाई, भाई उड़ रहा है, व्हाट द हेक, हमको किधर लेके जा रहे हैं ये, इतनी स्पीड में जा रहे हूं, आई जस्ट पुल द लीवर भाई, ये लेके जा रहा है कहीं पे हमको,